भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी आज प्रातः 10:45 पर बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर बोर्ड ऑफिस चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बाबा साहब के चरणों में प्रणाम और बाबा साहब के सपनों के भारत का निर्माण श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। उनके दिए हुए संविधान, उनका दिया हुआ संविधान हमारा पथ प्रदर्शक है और शिक्षित बनो का जो उन्होंने संकल्प लिया था, आह्वान किया था उसको भी, और समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए जो उनका आह्वान था उसको भी पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में देश में हो रहा है और हमारी प्रदेश की सरकार भी कर रही है। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। छिंदवाड़ा अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मैं आज बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को संविधान का निर्माण तो किया ही, सामाजिक न्याय के साथ संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का काम अगर किसी व्यक्तित्व ने किया तो इस भारत के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए। मैं आज बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन तो अर्पित करता ही हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम और संविधान के मूल तत्वों पर जो भारत के अंदर उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया, आज हम संकल्प लेकर के कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को हम और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, यही संकल्प आज उनके इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम सब प्रदेशवासी और देशवासी आज संकल्प लेते हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, मुझे लगता है कि कर्नाटक और हिमाचल के अंदर भी चले जाएं, और जनता की अदालत ने, जनता की अदालत में तो केस हार गए हैं वो, तो इसलिए लोकतंत्र में जनता आशीर्वाद देती है, जनता चुनाव में हिस्सा लेती है। ईवीएम का काम नहीं है जो चुनाव जिताना और हराना, तो ये इनको, ये कांग्रेस का नेतृत्व दिग्भ्रमित हो गया है। दिग्विजय सिंह जैसे लोग वैसे ही दिग्भ्रमित थे, बंटा ढार तो थे ही, अब हार की खीस से और दिग्भ्रमित में हो गए हैं जो ईवीएम पर आरोप लगाने लगे। कांग्रेस हार के कारण ढूंढने में जुटी है तो वो ढूंढती रहे। भारतीय जनता पार्टी में हम सब कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। क्या काम करना है, कहाँ काम करना है, किसे काम करना है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, नड्डा जी और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। बहुत धन्यवाद, आइए।